हेलो एंड वेलकम दोस्तों, अनलिमिटेड लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ डू आफ्टर एमए, यानी कि एमए के बाद हम क्या कर सकते हैं या हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कृपया एक लाइक मार दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो दोस्तों आइए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप आता है कि ये स्टडी आफ्टर एमए। दोस्तों आप एमए कर चुके हैं, उसके बाद आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद दो स्टेप और हम बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो पीएचडी या एमफिल की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, इसके बाद डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इनटू जर्नलिज्म, मास मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म, फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, एनिमेशन एंड फिल्म स्टूडियो। कहने का मतलब दोस्तों अगर एमए के बाद आप उच्च शिक्षा की ओर जाते हैं तो इसको आप कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा आता है दोस्तों एमए के बाद जॉब, यानी कि आपके अंदर कोई स्किल है या आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप कोई प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, अपने स्कूल को स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो उसके बाद एमए के बाद जॉब आप कर सकते। दोस्तों मैं आपको यह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमए के बाद स्टूडेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, इसलिए छात्र इसके बेस पर जॉब भी कर सकते हैं। जॉब के अवसर उनको लेक्चरर के तौर पर या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, म्यूजिकल फील्ड और सोशल वर्कर आदि, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। दोस्तों आइए आप चलते हैं थर्ड स्टेप पर। दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप है कि एमए के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम की तैयारी। दोस्तों जिन छात्रों को गवर्नमेंट जॉब में रुचि है, रुचि क्या दोस्तों सभी को होता है, सबकी यही इच्छा होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब करे, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इसकी तैयारी कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे यूपीएससी, आईएएस की तैयारी या उसके अंतर्गत किसी अन्य चीज़ की तैयारी या रेलवे जॉब्स की आप तैयारी कर सकते हैं। कई सारे फील्ड निकलते हैं, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी।